अव्यवस्थित दिनचर्या से होने वाली बीमारियों के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। अगर खान पान ठीक ना हो या फिर दिनचर्या ठीक ना हो तो उसके कारण होने वाली बीमारियां भी बहुत सारी हैं। आज इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, जो कि दिखने में तो बहुत ही सामान्य है लेकिन है उतनी ही घातक। इसे हम सामान्य भाषा में पीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसे पीला बुखार, कामला, इस नाम से भी जाना जाता है। जॉन्डिस हमारे शरीर में बिलीरुबिन से उत्पन्न होता है। जब हमारी रक्त धारा में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब हीमोग्लोबिन से आयरन हट जाता है और बिलीरुबिन निकलने लगता है। इसी अवस्था को कामला कहा जाता है, यानी पीलिया। पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। हमारी त्वचा, हमारे आँख, हमारा नाखून, सब कुछ पीला हो जाता है। यहाँ तक कि हमारा पेशाब और मल, इनका रंग भी पीला हो जाता है। इसीलिए इसे येलो स्किन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का यकृत रोग है, यानी लिवर में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जॉन्डिस होता है, या यूं कह सकते हैं कि पित्त की गड़बड़ी होने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। नमस्कार, मैं आपका हमारे YouTube चैनल परमानंद आयुर्वेद में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जॉन्डिस कैसे होता है और इसके कारण क्या क्या हैं, और ये हो जाता है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जॉन्डिस हो जाने पर खान पान का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयुर्वेद जॉन्डिस में किस प्रकार लाभकारी है। तो आइए बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि जॉन्डिस यानी पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। तो पीला पड़ने का कारण क्या है, आइए बात करते हैं जॉन्डिस जैसे रोग के कारणों के बारे में कि यह किन किन कारणों की वजह से हो जाता है। हमारे खून में रक्त कणों की कमी का हो जाना, या फिर लीवर का कमजोर होना, या लीवर में बनने वाला पित्त खून में मिल जाना, दूषित चीजों का सेवन करना, फल या सब्जियों को बिना धोए हुए खाना, इन सब की वजह से वायरस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। इसकी वजह से जॉन्डिस जैसे रोग हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत विशेष बात, अगर जॉन्डिस का जल्द से जल्द उपचार नहीं कराया गया तो यह बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसे हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग हेपेटाइटिस और जॉन्डिस को एक ही रोग बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यह एक ही प्रकार का रोग है। दोनों ही रोग लिवर में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, परंतु हेपेटाइटिस जॉन्डिस के बिगड़ने के बाद होता है। इसीलिए जॉन्डिस का इलाज समय पर कराना अत्यंत आवश्यक है। यह तो देखा आपने जॉन्डिस किस प्रकार से हो जाता है, यानी जॉन्डिस किन किन कारणों से होता है। आइए अब बात करते हैं कि जॉन्डिस अगर हो जाए तो रोगी को किस किस प्रकार के लक्षण अपने आप में महसूस होते हैं या फिर दूसरों को दिखाई देते हैं। जॉन्डिस के लक्षण कुछ हद तक फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कमजोरी, वमन, दस्त लगना या फिर बहुत ज्यादा बुखार। बुखार का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके साथ साथ सर दर्द, आँखों में दर्द, आँखों के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना आदि और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब आप बोलेंगे कि पेशाब या मल वो कैसे पीला होता है। जब हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा बाइल का निकास नहीं हो पाता या फिर बिलीरुबिन का निकास नहीं हो पाता तो वह पहले हमारी रक्त धारा में मिलता है, उसके बाद वह धीरे धीरे हमारे पेशाब और मल में मिल जाता है, जिसकी वजह से मल और मूत्र दोनों का रंग पीला हो जाता है। जब हमारे रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर यूं कहें जब जॉन्डिस और ज़्यादा घातक हो जाता है, तब मल और मूत्र दोनों का रंग हरा भी हो जाता है, यानी पीले के साथ साथ हरा रंग भी मल और मूत्र का हो सकता है। इसके साथ साथ रोगी का वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कमजोरी के कारण रोगी एक जगह अच्छे से बैठ भी नहीं पाता। तो ये तो थे जॉन्डिस हो जाने के बाद दिखाई दिए जाने वाले कुछ लक्षण। अब बात करते हैं खान पान की। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए खान पान बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार रोगी को भी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यह सोचना और देखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जब कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सबसे पहले यह बोला जाता है कि आपको ये चीजें खानी चाहिए और ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि जॉन्डिस के रोगी को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जॉन्डिस में घी, अचार, मैदा, बेसन, तला हुआ खाना या चिकने पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की दूषित चीजें व बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जॉन्डिस के रोगी को क्या क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सबको अच्छे से धोकर इनका सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ यानी दलिया, खिचड़ी, दाल, पालक, इन सब का सेवन कर सकते हैं। पानी की मात्रा जितनी ज्यादा शरीर में होगी उतनी ही जल्दी जॉन्डिस के ठीक होने के आसार होते हैं। छाछ, नारियल पानी, जूस, इन सब का सेवन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूध पीना चाहता है तो जितना दूध ले उतनी ही बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पीना चाहिए, क्योंकि जॉन्डिस में रोगी की पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं करती तो हो सकता है कि दूध ना पचे, तो इसीलिए दूध में पानी मिलाकर पीना अच्छा होता है। अक्सर आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि कई बार बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उसे फोटोथेरेपी के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ, क्योंकि कई बार औरतें अपनी गर्भावस्था के समय अच्छे से खान पान का ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से बच्चे में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो यह जॉन्डिस का रूप भी ले सकती है। इसीलिए गर्भवती माताओं को अच्छे से खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद जॉन्डिस को दूर करने में कितना सफल है। जी हाँ, एलोपैथी तो जॉन्डिस को दूर करने में बहुत कारगर है, परंतु आप सब में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि आयुर्वेद भी जॉन्डिस का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे शरीर में स्फूर्ति देती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ औषधियों के बारे में जो जॉन्डिस को दूर करने में हमारी सहायता करती है। आरोग्यवर्धिनी वटी, कुमारी यासव, सर्वकल्प क्वाथ, त्रिफला। अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस की शिकायत होती है तो उसे लोहासव के साथ ग्लूकोज मिलाकर दिया जाता है, इससे जॉन्डिस में तुरंत आराम होता है। अगर किसी बड़े व्यक्ति को जॉन्डिस है तो उसे लोहासव और कुमारी यासव दोनों को मिलाकर देने से तुरंत लाभ होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर जॉन्डिस बिगड़ जाए या फिर जॉन्डिस का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो वह एक घातक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस हो जाने की अवस्था में सरफोके का काढ़ा या फिर सरफोके के चूर्ण का सेवन करने से लाभ होता है। अब यहाँ एक विशेष बात बताती हूँ, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अगर आप पूरे साल में कभी भी अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवा पाते तो इस दिन अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, इससे आपको ही फायदा होगा। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार की। जैसा कि हर रोग के लिए कोई ना कोई घरेलू उपचार जरूर होता है, वैसे ही जॉन्डिस के लिए भी कुछ घरेलू उपचार होते हैं। आइए बात करते हैं उन घरेलू उपचार के बारे में। घृत कुमारी या फिर एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो आप सब जानते होंगे और आजकल ये बहुत आसानी से भी मिल जाता है। एलोवेरा का सेवन करने से हमारे शरीर का जीव विष या फिर वायरस यह दूर हो जाता है। यह जॉन्डिस में भी बहुत ही कारगर माना गया है। गन्ने का रस, आलू बुखारा, ये सब भी जॉन्डिस के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जॉन्डिस में शिलाजीत का प्रयोग करने से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर की कमजोरी दूर होती है। तो शिलाजीत को केसर व मिश्री में मिलाकर बकरी के दूध के साथ लेने से जॉन्डिस के रोगियों को बहुत लाभ होता है। तो ये तो थे कुछ घरेलू उपाय। तो आज मैंने बात करी जॉन्डिस के बारे में, जो कि दिखने में जितनी सामान्य है उतनी ही घातक भी है। आशा करती हूँ जिन लोगों को जॉन्डिस है या फिर जिनके किसी करीबी को जॉन्डिस है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं परम आनंद की सुविधाओं के बारे में। अगर आप घर बैठे कोई भी आयुर्वेदिक औषधि मंगवाना चाहते हैं या फिर किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप
परम आनंद की वेबसाइट जो कि है www.paramanandayurveda.com पर जाकर किसी भी औषधि के बारे में या फिर किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर जो कि मैंने अभी बताई www.paramanandayurveda.com पर जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगर आप ऑफलाइन किसी भी औषधि को मंगवाना चाहते हैं तो आप 9999004674 पर कॉल कर सकते हैं। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। आपके ऑर्डर की पुष्टि 3 से 4 दिनों में आपको कॉल कर या SMS कर दे दी जाएगी। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल कर आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात भी कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.paramanandayurveda.com पर जाएं और कंसल्ट आवर डॉक्टर फॉर फ्री पर क्लिक करें और हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आपको कोई भी औषधि वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रही तो आप VIP ऑर्डर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी हमारी वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है। इसमें सिर्फ आपको अपना नाम, मेडिसिन का नाम और बाकी डिटेल्स फिल करके अपना ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी भी बीमारी के बारे में लेकर आऊं तो आप घर बैठे उसके बारे में जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ परम आनंद की बहुत सारी सुविधाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।